हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी पैसेंजर्स पर। तो यहाँ से शुरू होता है कंपनी गार्डन और आपको दिखाऊंगा आज मैं कंपनी गार्डन के अंदर की ब्यूटी क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होती है कंपनी गार्डन के गेट के मेन गेट के अंदर। जैसे एंट्री करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड पे मिलेंगी कुछ मार्केट, और मार्केट में यहाँ पे कपड़े की मार्केट भी है, हैंडमेड जैसे ईयरिंग्स वगैरह और जो ये सभी चीज़ें हैं उनकी मार्केट होती है। और यहाँ पे अच्छी खासी जो पर्सन लोग हैं वो शॉपिंग करना भी काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए, एंटरटेन के लिए भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। एंटरटेन यहाँ पे काफ़ी बड़े बूढ़े भी कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पे अच्छा खासा एंटरटेन कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद ये आता है गार्डन के अंदर, यहाँ से एंट्री करने के बाद कोई भी मार्केट नहीं होती है। तो उसके बाद जो यहाँ से हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे जिनके टिकट भी लगते हैं, वैक्स म्यूज़ियम हो गया, फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एक नर्सरी दी हुई है और यहाँ पे बच्चों आगे जैसे देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, फूड प्लाजा है। यहाँ पे फूड प्लाजा में यहाँ पे आप रीजनेबल प्राइस पर भी यहाँ पे चाइनीज़ फूड हो गए, जैसे काफ़ी फेमस होता है यहाँ पे मतलब चाइनीज़ फूड जो है इस रेस्टोरेंट का, तो देख सकते हैं। यहाँ पे झूला है, फ्लावर्स कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। दूरी से पड़ता है 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मात्र 3 किलोमीटर जो कि बहुत ही कम दूरी है। और ये मसूरी का सबसे पुराना गार्डन है जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा। ये तो खैर आप सभी लोग जानते हैं, कॉमन बात होनी भी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे जो है काफ़ी बताओ आपको बोलना। देखिए ये हाथी जो बनाया है, टायरों का बनाया है, ये तो खैर मानव ने बनाया है, नेचुरली ये तो नहीं है, लेकिन ये नेचुरली पेड़ काट करके यहाँ पे ये स्टैंड बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे अपने जो लोग बाग हैं वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, और जो घूमने टूरिस्ट आते हैं कि वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ी पर, और ऊपर जा कर के मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ का पता चला जो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ उसको। यहाँ पे है नर्सरी और यहाँ पे इतने पेड़ रखे हैं जो अगर आप कहेंगे तो वाह यार इतना पेड़, और इतने सारे पेड़ हैं अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर हैं देखने के लिए। और यहाँ से जो ये नीचे दिखती है घाटी वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये वाइट गुलाब था, इसके बाद ये रेड गुलाब, इसके बाद ये छोटे छोटे पौधे हैं जो बहुत से यहाँ पे फ्लावर्स के पेड़ हैं। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे ये, यार मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिलते हैं फ्लावर्स बहुत ही सुंदर सुंदर, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये यार ये बहुत छोटे छोटे फूल थे जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, और इनका बनाया हुआ था एक ट्रायंगल के शेप में इनको सभी को रखा गया था, जैसे आप देख रहे हैं अभी और देख सकते हैं, बड़े ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए फुल आपको मैंने दिखाया। उसके बाद मैं जा रहा हूँ इधर से सीधे नीचे की तरफ जहाँ पे है आपके एक फूड रेस्टोरेंट है, और एंटरटेन के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे और क्या है फ्रूट बर्फ़ी। तो यहाँ पे जो है एक रेस्टोरेंट है फ्रूट बर्फ़ी का, मतलब तो आप अच्छे से समझ ही रहे हैं, फलों की जो होती है आपको मिठाइयाँ। और यहाँ से अब ये शाम हो चली है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, वैसे मसूरी में चीज़ें बहुत हैं देखने के लिए, कंपनी गार्डन भी उनमें एक फेमस चीज़ है। जो मेरा मानना है कि अगर आप मसूरी आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको कंपनी गार्डन प्रेफर नंबर 2 पे रखनी चाहिए, पहले कैंपटी फॉल, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ी भूख लगी थी, मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, पर यहाँ पर पाव भाजी लेकर के मैंने खाई। खैर ये तो नहीं बताना था तुझे पाव भाजी। फ्रेंड्स, आई होप सो आपको काफ़ी इंजॉय आया हो, एंजॉय। ओके दोस्तों, आपने काफ़ी ये वीडियो एंजॉय की होगी आपके दोस्तों आपने काफ़ी ये वीडियो एंजॉय की होगी। और इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो धनवल्टी की होने वाली है, और जो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों
अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी रही हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना, अगर अच्छी रही है तो अच्छे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना जिससे कि सभी जो नहीं देख सकते हैं वीडियो वो सब देख सकें। अब मुझे लेट हो रहा था, मुझे होटल पे जाना है क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर भी है होटल, तो शाम हो चली थी। ओके, बाय बाय, टाटा दोस्तों, टेक केयर।